हेलो दोस्तों, ये हमारा पहला ब्लॉग है। मेरा नाम है विश्वजीत देव। मेरा नाम है सुनील डागर और मैं प्रोफेशनली लेबर कॉन्ट्रैक्टर हूँ। मैं प्रोफेशनली वर्कर हूँ, झूठ बोलता है, बिजनेसमैन हूँ। ये बिजनेसमैन है, इसका खुद का वर्कशॉप है। ठीक है, और हमारे पास अपाची RTR है 160, जो अभी नई वाली है वो, और दूसरी है स्प्लेंडर, जो कि कौन सा मॉडल, 2018 मॉडल, 2018 मॉडल जो कि मेरे पास है। हमारे पास एक स्कूटी भी है जो जुपिटर है, और सुनील भाई के पास एक इको स्पोर्ट 2016 मॉडल। हमारे फ्यूचर में भी बहुत सारे प्लानिंग्स है, हम बहुत ट्रैवल करने वाले हैं, आगे राइडिंग करेंगे। राइडिंग हमारे ब्लॉग्स में राइड्स भी होगी, गाड़ियों में भी हम कहीं ना कहीं जाया करेंगे, और बाइक्स पे भी होंगे। हम फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं और फरीदाबाद को सबसे पहले एक्सप्लोर करेंगे, और उसके बाद हमारा प्लान है पूरे इंडिया को एक्सप्लोर करना। और नेक्स्ट ईयर में हमारा सबसे पहले प्लान है कि लेह लद्दाख को एक्सप्लोर करना। तो अगर आप लेह लद्दाख के वीडियोस देखना चाहते हैं तो फिर क्या, वहाँ नहीं, वहाँ तो यार सब जगह जाते हैं, वो सब वहाँ सब जाते हैं, जगह जाएंगे अलग जगह, जो मतलब जहाँ ज्यादा लोग ना गए हों, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन जहाँ कहीं भी ना गए हों, जो लोग कोई भी ना गए हों कहीं जगह, ऐसा तो हर जगह हम नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे। यस, ये बात वो है। बाकी जहाँ पे बहुत लोग कम गए हों वहाँ पे जाएंगे, बहुत सारी यूनिक चीज़ें हम आपको दिखाएंगे फरीदाबाद के बारे में, फरीदाबाद के बारे में, और इंडिया ट्रैवल करेंगे तो उसके बारे में बताते रहेंगे। हमें अभी भी अपने घर वालों की सुननी पड़ती है, क्योंकि हमारी इतनी उम्र अभी नहीं हुई है, ज़्यादा नहीं है, 20 से 25 साल के बीच में, इसी वजह से हमें सब कुछ देखना पड़ता है और उनके हिसाब से सारे काम करने पड़ते हैं। तो बट फिर भी फ्यूचर में आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। ये जो भी ब्लॉग चैनल है, ये हम दोनों का है, सुनील और मेरा दोनों का। तो हम जहाँ भी जाएंगे हम दोनों एक साथ ही जाएंगे, कभी ऐसा नहीं होगा, शायद कभी कभार हो जाए कि हाँ पर्सनली हम घूम रहे तो अकेले की वीडियो आए, वरना मोस्टली टाइम तो हम दोनों की एक साथ ही वीडियो आया करेगी, ऐसा कभी नहीं होगा। हम अगर कहीं पर भी जाएंगे तो दो बाइक भी नहीं, इवन एक बाइक पर ही जाया करेंगे, इसी वजह से, क्योंकि हम दोनों की पार्टनरशिप है इस ट्रैवल में, इसलिए हम जहाँ पे भी जाएंगे एक साथ ही हम जाएंगे। अगर आपको देखना है कि दो जने कैसे कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कैसे कैसे क्या क्या चीजें क्या, अकेले जाने में बहुत सारी दिक्कतें भी है, एक तो घर वाले भी अलाउ नहीं करना चाहते, इसलिए हम अकेले इसलिए भी नहीं जा रहे, मैंने बताया ना 20 से 25 साल की उम्र, इसलिए। और दूसरा, हम दोनों का इंटरेस्ट था ट्रैवलिंग का और हम दोनों ही जाना चाहते थे हर जगह। आज हम जा रहे हैं पल्सर NS160 देखने के लिए। सुनने में आई है कि अभी अभी लॉन्च हुआ है इसका नया वेरिएंट, वही देखने के लिए जा रहे हैं। अभी हम सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब 160 to 200 के अंदर अंदर कोई अच्छी परफॉर्मेंस बाइक देख रहे हैं। तो अभी तो फिलहाल मेरा पल्सर का पहले से बहुत पहले से मन था, सुनील भाई भी कह रहे हैं पल्सर लेने के लिए, बिकॉज अपाचे हमारे पास है 164 भी, जो अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के दे रही है, तो दोबारा वही लेना तो कोई बेनिफिट नहीं है, और कोई पुरानी भी नहीं हुई है, उसको लिए हुए बस 2 महीने ही हुए, महीना ही हुआ है। हाँ, और हमारी जो स्प्लेंडर है वो भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के दे रही है, तो ऑलराउंड है, बट हमें लंबे टूर के लिए एक परफॉर्मेंस बाइक चाहिए, तो हम अब जा रहे हैं 160 NS देखने के लिए। तो भाई ये है पल्सर N160, ये अभी हमने देखी है, यही लेने का प्लान कर रहे हैं फिलहाल हम। अच्छी बाइक है, काफ़ी बढ़िया है बाइक में, काफ़ी अच्छा दम भी है और पकड़ ग्रिप भी बहुत अच्छी है, ड्यूल चैनल ABS है और मीटर भी अच्छा है, ये आप देख सकते हो एनालॉग मीटर, और प्लस में डिजिटल है, चार्जिंग पॉइंट सॉकेट है इसमें, इंजन किल स्विच, हेडलाइट सेटअप भी अच्छा ही है इसका। बाकी देखते हैं आगे जाके, बाकी सुनील भाई कह रहे हैं कि KTM के शोरूम पे चलते हैं, सेटिंग सही है, सेम है दोनों, इसकी सेटिंग मेरे को भाई थोड़ी सी कम लगी, उसके कुछ की मतलब हल्की, हाँ हल्की हाइट कम है और अपाचे की मेरे को ज़्यादा लगती है, बट सुनील भाई कह रहे हैं कि दोनों की सेम है। अब हम KTM के शोरूम जाने की कह रहे हैं, सुनील भाई KTM के शोरूम जाना, फिर भाई KTM वाले में चलते हैं, फिर उसकी देखते हैं, बाकी आगे का देखेंगे। आई थिंक यामाहा के शोरूम पे भी जाना सही रहेगा फिर। अब तो भाई अब हम आ चुके हैं अपने घर वापस, ठीक है। हाँ, तो हमने बाइक देख ली, काफ़ी सारी देखी है, जावा की भी देखी है, यामाहा की भी देखी है, और पल्सर तो दिखाई है आपको मैंने, अब देख लेना।
अब देख लेना आप जो ऐसे ज़्यादा तो जावा की ठीक लग रही थी, पर राइडिंग के हिसाब से देखा जाए तो वो नहीं करेगी सूट। पल्सर अच्छी है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, तो हम उसी को प्रेफर कर रहे हैं कि वही लेंगे अब। तो बाकी देखते हैं, अभी और भी ऑप्शन है, अभी इतनी जल्दी तो लेना नहीं है, अभी तो सर्च कर रहे हैं। अगर इससे बेटर ऑप्शन मिलते हैं फिर देखेंगे, नेक्स्ट मंथ ही लेना, अभी तो नहीं ऐड ऑन करना। तो इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं, और सुनील भाई अभी अपने घर जाएंगे, तो बाय बाय। मैं भी अब अपने घर आ चुका हूँ, तो वही सब अपना बहुत सारा ख्याल रखो और अपना ध्यान रखो।